हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6, फ्लो थ्रू पाइप्स इन फ्लूड मैकेनिक्स। आज हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्लो थ्रू पाइप्स, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन वर्ड क्वेश्चंस में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स इज कॉल्ड, यानी जो अनुपात होता है इनर्शियल फोर्स का और विस्कस फोर्स का, उसे हम इनमें से क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर या लेमिनार फ्लो। तो देखिए, इनर्शियल फोर्स को हम लिखते हैं रो वी डी बाय म्यू। तो ये हमें पता है इनर्शियल फोर्स होती है रो वी डी और म्यू होता है विस्कस फोर्स। तो ये हमारे पास कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर, ये कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका आंसर आएगा सी इज द करेक्ट आंसर, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब आप देखिए, सेकंड वन इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर सर्कुलर सेक्शन, यानी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है क्या। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन वेटेड पैरीमीटर। तो आप देखिए, एरिया क्या होता है सर्कुलर सेक्शन का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है एरिया, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और पैरीमीटर होता है हमारे पास 2πr, या आप इसको क्या कह सकते हैं, पाई डी भी कह। और एरिया को आप जब डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा डी बाय फोर। क्या आएगा, डी बाय फोर। तो जो हाइड्रोलिक मेन डेप्थ होती है सर्कुलर सेक्शन के लिए, हमारे पास कितना आएगा, ये डी बाय फोर, यदि डी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन है। अब आप देखिए, थर्ड वन इज रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय, यानी हमें रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बताना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर रो वी डी बाय म्यू। यहाँ पर रो वी डी है इनर्शियल फोर्स और म्यू है विस्कस फोर्स। तो रो यहाँ पर डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है फ्लो की, और डी डायमीटर है पाइप का, और म्यू क्या है, विस्कस फोर्स है। तो यहाँ पर आप देखिए, इनमें से फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अब आप देखिए, फोर्थ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज बिलो ई जी एल बाय, यानी आपको पता है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो हमेशा बिलो होती है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन्स बाय पी बाय रो जी, बी इज जेड, सी इज वी स्क्वायर बाय 2g, या डी नॉन ऑफ द अबव। जहाँ पर आपको पता है पी बाय रो जी क्या है हमारे पास, प्रेशर हेड, जेड डेटम हेड, और वी स्क्वायर बाय 2g क्या है, काइनेटिक हेड, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो ऑलवेज बिलो होती है ईजीएल से बाय काइनेटिक हेड, वी स्क्वायर बाय 2g से। अब आप देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइन जॉइनिंग द पिजोमेट्रिक लेवल एट वेरियस पॉइंट्स द लाइन इज ऑब्टेंड, यानी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई पाइप है, यहाँ पर हम कोई दो पिजोमीटर ले लेते हैं, और इनमें देखिए ये वाटर इनमें फील्ड है यहाँ देखिए। तो जो ये लाइन इनको जोड़ रही है पिजोमेट्रिक लेवल को, यानी पिजोमेट्रिक लेवल में क्या आते हैं, प्रेशर हेड प्लस जो हमारे पास होता है डेटम हेड, यानी जेड प्लस पी बाय डब्लू, ये जो लाइन को जब हम जोड़ते हैं तो लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये लाइन हमारे पास कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब आप देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन इज चेजीज फार्मूला इज गिवन बाय, हमें पता है जो चेजीज फार्मूला होता है वो हम लॉस ऑफ हेड जो होता है हमारे पास, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो वी होता है वो होता है सी, जहाँ पर सी हमारे पास है चेजीज कॉन्स्टेंट इंटू अंडर रूट एम, जहाँ पर एम है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और आई है हमारे पास लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ इन पाइप। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी बी। देखिए, बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, वी इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट एम आई, सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, ये इसका आंसर आएगा बी। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्लो इन अ पाइप इज लेमिनार इफ, यानी फ्लो देखिए लेमिनार फ्लो किस प्रकार का होता है। मानिए हमारे पास कोई पाइप है, इसमें यदि लेमिनार फ्लो है, तो लेमिनार फ्लो में जो फ्लूड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे का जो पाथ है वो डिस्टर्ब नहीं करते और स्ट्रीम लाइन्स में फ्लो होते हैं। तो आप देखिए, यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो, या रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा हो, रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा हो, या नॉन ऑफ द अबव, तो हमें पता है यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो वो फ्लो क्या कहलाता है पाइप में, लेमिनार फ्लो कहलाता है। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन, यानी सडन कॉन्ट्रेक्शन के कारण, यानी देखिए आप हमारे पास ये कोई पाइप है और आगे चलकर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, जो एनर्जी यहाँ पर हमारे पास लॉस होती है, वो एनर्जी जो लॉस ऑफ हेड है उसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला आप देखें, जो हमारे पास हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन है उसका फार्मूला 0.5 V2² / 2G, ये फार्मूला है, जहाँ पर V2 क्या होगी, वेलोसिटी एट 2-2 सेक्शन, और ये यहाँ पर 1-1 सेक्शन होगा, तो ये फार्मूला होगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन के लिए। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डार्सी विस्बेच फार्मूला, जो डार्सी विस्बेच फार्मूला है ये भी हम यूज़ करते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है HF इज इक्वल टू 4FLV² / 2GD, जहाँ पर F होता है हमारे पास फ्रिक्शनल, जो फ्रिक्शन होता है पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट लेंथ पर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है वो F होता है हमारे पास। ये F हम फाइंड आउट करते हैं 4FLV² / 2GD, ये फार्मूला होगा, जिसका आंसर आएगा A इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप्स, जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है इन पाइप्स में वो किन कारणों से होती है? मेजर एनर्जी लॉसेस, माइनर एनर्जी लॉसेस, सी बेंड इन पाइप, या डी ऑल ऑफ द अबव, यानी जो कंडीशन है एनर्जी लॉस के लिए वो मेजर एनर्जी के लॉसेस भी होते हैं पाइप में, माइनर एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, बेंड भी होता है पाइप में, इसके कारण भी लॉस होती है एनर्जी, तो इसका आंसर आएगा डी, यानी इन तीनों के कारण, ऑल ऑफ द अबव के कारण क्या होगी, लॉस होगी एनर्जी इन पाइप्स में। अब आप देखें वन वर्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्लो थ्रू पाइप्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास फार्मूला फॉर हाइड्रोलिक रेडियस एम, जो एम है हमारे पास इसका फार्मूला क्या है? तो मैं बता दूं आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय वेटेड पैरामीटर, बाय वेटेड पैरामीटर, ये आप देखें ये है हमारे पास फार्मूला फॉर हाइड्रोलिक रेडियस। अब आप देखें 12 है हमारे पास क्वेश्चन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप, यानी इसका भी आपको फार्मूला बताना है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। तो एच बी यानी हेड लॉस ड्यू टू बेंड इज इक्वल टू के इंटू V² / 2G, यहाँ पर के क्या है हमारे पास, के हमारे पास है कोफिशियंट ऑफ बेंड, क्या है कोफिशियंट ऑफ बेंड, इंटू V² वी क्या है वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2G, ये हमारे पास आ गया लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। अब कह रहा है नेम माइनर एनर्जी लॉसेस इन पाइप, यानी माइनर एनर्जी लॉसेस किन किन कारणों से होती हैं वो आप बता दीजिए पाइप में। तो सबसे पहले ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन, सडन कॉन्ट्रेक्शन के कारण पाइप में सडन कॉन्ट्रेक्शन, सेकंड इज ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, बेंड इन पाइप, बेंड इन पाइप, फोर्थ वन इज ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, यानी ये सब कारण होते हैं माइनर एनर्जी लॉसेस के इन पाइप्स में, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, सडन इनलार्जमेंट हो जाए पाइप, सडन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पाइप, बेंड आ जाए पाइप में, तो ये क्या होंगे माइनर एनर्जी लॉसेस होती हैं। अब आप देखिए 14th क्वेश्चन जो है हमारे पास, हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, यानी सडन इनलार्जमेंट के कारण हेड लॉस का फॉर्मूला आप बता दें, तो V1 - V2² / 2G, तो ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ये फार्मूला हमारे पास होगा हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, ये देखें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ के, यानी जो आपने अभी के देखा था हेड लॉस ड्यू टू बेंड में के इंटू V² / 2G, जहाँ पे के क्या है कोफिशियंट ऑफ बेंड, उसकी वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? सबसे पहले मैं बता दूँ एंगल ऑफ बेंड, एंगल ऑफ बेंड, सेकेंड वन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड, थर्ड वन इज डायमीटर ऑफ पाइप, यानी इन तीन चीज़ों पर जो कोफिशियंट है वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ पाइप पे, इन तीन चीज़ों पर कोफिशियंट ऑफ के, यानी जो कोफिशियंट ऑफ हमारे पास क्या है बेंड, वो डिपेंड करता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, यानी वह वेलोसिटी जिस पर जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेलोसिटी क्या वेलोसिटी कहलाती है? उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी फ्लो चेंज होता है लैमिनार से टर्बुलेंट, तो जो वेलोसिटी कहलाती है वो क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। अब आप देखिए 17th
जो हमारे पास क्वेश्चन है, मेजर एनर्जी लॉसेस कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। जो मेजर एनर्जी लॉसेस होते हैं पाइप में, वो किस फार्मूला द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं? तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है डार्सी विस्बैच फार्मूला एंड सेकंड फार्मूला इज चेजीज फार्मूला। यानी जब हम मेजर एनर्जी लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे तो दो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट इज डार्सी विस्बैच एंड सेकंड इज चेजीज फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो आज आपने यहाँ देखा, हमने डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन वर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्लो थ्रू पाइप्स। आप यदि इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड हैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।